हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने जो वीडियो है वो है आपका फर्स्ट कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम बताएंगे सबट्रैक्शन, मतलब घटाना, घटाओ जिसको बोलते हैं। और इस वीडियो में हम घटाने के बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे जो आपने अभी आज तक सीखा नहीं है, और इसीलिए आपको जो घटाना होता है वो बहुत ही टाइम लग जाता है घटाने में। अगर आप इन वीडियो मतलब इन पार्ट्स को देखेंगे तो आपको घटाना बहुत ही इजी तरीके से आएगा। इसके पहले मैंने जोड़ का वीडियो बनाया है, एडिशन का, जो कि देख सकते हैं 3 या 4 पार्ट बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के तरीके से, जो कि मेंटल का मतलब हो गया कि दिमाग में ही उसको कर सकते हैं। अगर आप उन तरीकों को सीखेंगे तो दिमाग में अपने उड़ा देंगे। किसी भी जोड़ को आप यूं देखेंगे, जोड़ देंगे, चाहे वो छोटा जोड़ हो, बड़ा जोड़ हो, हल्का जोड़ हो, भारी जोड़ हो, कैसा भी एडिशन हो, आप सेकंडों में उड़ा देंगे। सेम ऐसे ही तरीका आज हम घटाना के लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 या 2-3 पार्ट ये भी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे पार्ट देखिएगा, आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको जल्दी कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैथ्स और कैलकुलेशन में आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर बोलें तो आपको एक बार दिमाग में रखना है, जैसे कि आपको इसके पहले भी बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए जोड़ आप घटाना मान लीजिए आपको मिल रहा है यहाँ पर आपका 25 + 80, ये जोड़ है। पहले जोड़ को समझिए, तो इसको जोड़ने को तो आप ऐसे जोड़ेंगे 5, 0, 5, 8, 2, 10 ऐसे करेंगे, ऐसे जोड़ते हैं आप इसको। बट जो हमने तरीका एडिशन का बताया है वो यूँ करना नहीं है, आपको यूँ देखना बस हो गया, यूँ देखना हो गया, मतलब कैसे इसको देखेंगे 20, इसको देखिए, इसको देखेंगे 2, इसको देखेंगे 8, और 8, 2 समझ रहे हैं क्या होगा, समझ रहे हैं ना। जो भी अंक को जोड़े, जितने अंक पीछे छूट रहा है उसको 0 बना दे। हमारे कहने का मतलब इसमें भी इसके बाद एक अंक है, इसमें भी एक अंक है। अगर हम इसको जोड़ते 2 और 8 को तो हमें पता है 10 होता, और ये 5 और 5 ही होता, उसको ऐसे ही रख देना है। अभी ये कम समझ में आया होगा, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिखता, अब इस तरीके से इसको जोड़ना है तो आप इसको दिमाग में ऐसे लगाना है कि ये 3 और 8 को पहले जोड़िए, इधर से नहीं जोड़ना, आपको इधर से जोड़ना है, आपको इधर जोड़ना है। और जो पीछे वाली संख्या है ना, अगर वो 10 से ज़्यादा हो रही है तो आप दिमाग में रखिएगा उसका इकाई अंक लेना है, दहाई अंक तो आपको इसी में लगा देना है 10 के रूप में। किसके रूप में? 10 के रूप में। हमेशा दिमाग में रखना कि जब यह 10 से ज़्यादा हो तो हमेशा 1 आप 10 ऐड कर दीजिएगा उसमें। जो किनारे वाली संख्या है, इन दोनों को अगर ये 10 से ज़्यादा हो रही है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा हो रही है, तो आप 10 इसमें ऐड करिएगा, दिमाग में बैठाना है बस इतना दिमाग। और ये यूँ कर देंगे, देखिए ये है 3, 8, अब 3, 8 तो आपको दिमाग में ऐड से बैठना चाहिए, क्योंकि 3, 8 जोड़ने में तो कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए। तो कितना हो जा रहा है, अब 3, 8 अगर आप जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, मतलब अब जो भी हो रहा है उसमें आप 0 बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैं जोड़ता 3, 8, 11, 110, 10, 10, 20, ये हो जाता, दिमाग में लगाइए 10, 10, 20 किसमें, इसमें का 10 जोड़ लिए, कैसे जोड़ा मैंने 8, 6, 8, 6, 14 होता 10 में जोड़ा, बस यहाँ पर 4 बढ़ाना था, बस यही काम होना था और कुछ भी नहीं। अब इसको जोड़ते भी ना 8, 6, 14 की 4, 8, 3, 11, 12 वही तो हुआ, बात समझे, फिर से समझाते हैं, देखिए दिमाग बैठाइए। पहले ये 3, 8, 11 और इसमें 110 करना है, ये 8, 10, 14 होता, ये क्या होता 8, 6, 14 होता, 14 को आप इस तरीके से दिमाग में समझते, इस तरीके से 10, 4, 14, तो 10 इसमें ऐड करते 120 और 4, 24, यही बस, ये मेंटली है। आप अब बोलेंगे सर वो हमें इजी लग रहा है, वो बहुत सरल, आप जो बना रहे हैं बता रहे हैं ये बकवास लग रहा है, हमें नेचर, लेकिन आप दिमाग बैठाइए, ये दिमाग में करना सीख लेंगे, वो दिमाग में कभी नहीं कर सकते हो, वो जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स देखा है ना वो आप दिमाग में नहीं कर सकते हैं, पर ये दिमाग में आप कर सकते हो। तो ये जोड़ का कार्यक्रम छोड़िए, क्योंकि उसका वीडियो हमने बना चुका हूँ, मैं यहाँ पर घटाने का तरीका बताता हूँ आज। देखिए घटाने वाला तरीका में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि जैसे यहाँ मेरा है, सॉरी यहाँ पर जोड़ बार बार लिख देते हैं, ये घटाना है, पहले ये इसको घटाना है, तो आपको क्या काम करना है, पहले दिमाग में यही चीज़ें बैठाना है। इसमें आपके लिए एक रूल होगा, कुछ नहीं करना है, जो आगे की संख्या है उसमें आप 0 लगा के लिख दीजिए। जैसे ये देखिए इसमें तो एक ही अंक है, उसमें जब कभी भी 2 अंक आ रहा है घटाने को, और 1 अंक जो है दहाई अंकों का है, मतलब 2 अंकों का है, और 1 संख्या आपका 1 अंक, जब 2 घटाने आ रहे हैं
उसमें एक अंक आपका दो अंक का है और सॉरी एक संख्या आपका दो अंक की है, एक संख्या आपका एक अंक है। तो जो दो अंक की संख्या उसमें की पहली संख्या लेकर के आप जीरो लगा दीजिए और इन दोनों को आपको घटा देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। थोड़ा सा इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए इफ़ेक्टिव रहे। अभी वो तरीका मैं ये देखना, इस तरीके से करना, पहले ये समझिए ठीक। जैसे देखिए हमने इसको सात को जाना था सत्तर, और अब ये तो सत्तर समझे, आठ और चार में घटाएंगे तो ये तो पता है कि चार होगा, तो हम यहाँ पर चौहत्तर कर देते, ऐसा करते। अभी यहाँ पर मैं लिखता पचपन और यहाँ पर मैं लिखूँ तीन, तो ये पाँच पचास और ये तीन घटा एक मतलब इक्यावन हुआ समझे। यहाँ पर लिखता मैं सैंतीस, यहाँ पर लिखता मैं सात, मैं यहाँ पर तीस लिखता और यह सात जीरो हो ही गया है। अगर मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिखूँ चौरासी और यहाँ पर लिखूँ दो, तो आप इसको अस्सी मानेंगे और इसको दो मानेंगे। कुछ ऐसे करना है दिमाग में। अब बोलेंगे सर ये तो ईजी है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका इस तरीके से ना करके इस तरीके से आ जाए, जैसे देखिए इस तरीके से आ जाए, आप लोगों को दिक्कत कि सर आपने तो इस तरीके से बहुत घटाना बताया कि आप इसमें जीरो मार लो और पीछे में जो घटाओ, जो पीछे वाले में घटाओ उसको आप लिख दो। तो अब बोलोगे सर आप क्या करोगे, अब तो आपका घटेगा ही नहीं। अरे यार एकदम आराम से घटेगा, कुछ नहीं कर। इसमें हमने ये बताया था कि जो आपकी आगे वाली संख्या है उसको आप जीरो मान के लिखिए और ये जो पीछे वाली संख्या है उसको आप जोड़ दीजिए। दिमाग में रखे, यानी कि आपको यहाँ पर यह सत्तर होता और उसको जो घटाए उसको हम चौहत्तर, तो इस तरीके से चौहत्तर हुआ था। सेम इसमें भी प्रोसेस से करता, ये पचास होता ठीक, इसमें नहीं इसमें हम बता रहा हूँ, इसमें देखिए ये पचास होता और पाँच और तीन घटाने पर दो होता ठीक है। ये पचास होता और पाँच तीन घटाने पर दो, मतलब ये हमारा बावन आता। और इसी तरीके से अगर मैं इसको करता तो ये तीस होता और उसके बाद ये सात सात जीरो होता, तो ये भी तीस होता। और इसी तरीके से अगर मैं इसको करूं तो ये 80 होता और ये प्लस 2 होता, तो इस तरीके से ये 82 होता। बात समझ में आई, मतलब जब आप इसमें घटा रहे हैं, जब सीधा सीधा घट जा रहा है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, और जब इसमें सीधा सीधा ना घटे तब कैसे होना। देखिए अभी अब दो अंक है जिसको आप 50 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो माइनस एक आएगा, दिमाग लगाइए माइनस एक आएगा, और माइनस एक कर देंगे तो आपको वही काम करना है, यहाँ पर आपका 49 आ जाएगा। बात समझ में आई, अब समझ में अभी नहीं आई, यहाँ पर देखना, यहाँ पर 36 यहाँ पर है 9, अब दिमाग लगाइए 9 क्या मैं 8 ले लूँ, बार बार वही संख्या नहीं लेना है ये। अब लोगों को दिक्कत होगी, कुछ नहीं दिक्कत होना, देखिए ये 30 ही मानेंगे और ये देखिए 6 और 2 को माइनस 2 आएगा, पता है ना यार। अब दिमाग ही ऐसा थोड़ी करना है, देखिए 8 में से 6 तो घटा सकते हो, 8 में 6 घटाएंगे 2 माइनस 2 आएगा नहीं। अब बताइए इसको तो आप समझ ही सकते हो कि 30 में 2 घटेगा तो 28 आएगा। अब इसको भी आप करते तो वही आता, क्योंकि यहाँ 36 है, 36 6 घटता 2 घटता तो 28 ही आएगी। यार एकदम ईजी है, बस आपको इसमें मेंटल में आपको वैसे ऐसे चलाना है ना, ऐसे चलाना है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऐसे जाम हो जाएं ठीक। यहाँ आज हम दो अंक तक बताएंगे, ये दो अंक और एक अंक का था, एक अंक से एक अंक तो आप कर ही लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका 7 है और माइनस 8 है तो माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 9 8 है, यहाँ पर 2 है तो माइनस 6 आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो एक अंक कर लेंगे, ये दो अंक और एक अंक का हो जाए, इसके बाद दो दो अंक का हो जाएगा। तो इस तरीके से बता देंगे, आपके लिए ईजी रहेगा ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको हम और तरीके से बताते हैं, बहुत सारे सवाल इसमें हम ले लेते हैं ताकि आपके लिए दिमाग में बैठ जाए। अब इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है। देखिए कितने जो अगर आप इसको उस तरह घटाते तो इस तरह करते, देखिए एक में से आठ नहीं घटेगा, इसमें लेंगे कैरी बने 11, 11 में से 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटाएंगे, यार इतना कठिन पड़ जाएगा 11 में से 8 घटाने में, 11 में 8 घटाएंगे 3 बचेगा, ऐसे सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, दिमाग में परेशानी करेंगे कि 11 में से 8 घटाएंगे 3 बचेगा, तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 बच रहा है, इस तरीके से करेंगे ना, ऐसे तो करते हैं। तो बताइए अब उस तरीके से करेंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बताइए। तो इस तरीके से करेंगे भी, देखिए अभी इसमें करते हैं कि 11 में से 8 घटा कितना बचा, तीन बचा,
11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5, 53 बच रहा है, कितना बच रहा है, 53 बच रहा है। ठीक, और अगर हम उस तरीके से करते तो उस तरीके से देखिए आप क्या काम करते, ये 60 को आप 60 ही लिखते, माइनस 8 एक, अब बताइए 8 और 1 को तो डिफरेंस जान सकते हैं 7, बस अब 7 इसमें से घटाने कोई दिक्कत ही नहीं, ये 53 आ जाएगा, ये होता बस उसमें, मतलब ये वाला आप हाँ कैरी ले करके दिमाग उसको घटा दे तब ये दिमाग में कर सकते हो। अब 60 माइनस 8 है, दिमाग में लगाइए 60 माइनस 8 है, 60 का मतलब वो सॉरी 61 माइनस कितना, 61 माइनस 8 है, ठीक 61 माइनस 8 है, तो 61 को आप क्या करेंगे, 61 को 60 मानेंगे, और पता है कि 1 और 8 का जो डिफरेंस निकलेगा वो 7 आएगा, यानी कि हमें 60 में से 7 घटाएंगे 53 आएगा, बस इजी तरीके से, कोई कैरी नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई कुछ नहीं करना, बस ये तरीके से कर लेंगे। मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, अब दिमाग इसमें लगाइए कितना इजी तरीके से हो जाएगा बताइए, देखिए इसको करेंगे, अब इसमें दिमाग लगाइए, ये 70 है और ये 2 है, ऐसे दिमाग में बैठाइए, क्योंकि ये ज़्यादा अगर इधर है तो माइनस में समझिएगा, जब पीछे वाला ज़्यादा निकल रहा तो उसको माइनस में समझिएगा, यही बात रखना है, ये 70 और ये माइनस 2, 70 में 2 करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा ना जी, देखिए ये 70 हो जाएगा और ये 5 में से 2 घटे, मतलब 5 में से 3 घटेगा 2, तो 2 हम फिर 70 में घटाएंगे तो हमारा 68 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा 68 आ जाएगा। और तरीके से करिए, ऐसे करिए, देखिए अब यहाँ पर है इसको 80 मार रहे हैं, 80 में हम यहाँ पर 6 घटा देंगे तो 80 में 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, क्या बात सही है बताइए, क्या बात सही है। और ऐसे भी देखिए 11 में 7 गया 4, यहाँ पर 4 7, 7 के 7 लिख देंगे, बताइए यार कितना ईजी है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, हम समझ रहे हैं कि आप परेशानी ना के बराबर होगी। दो अंकों को हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं, आप दिमाग में रखिएगा, दो दो अंक जब हमारे पास होंगे तब, जिससे यहाँ पर है 73 और यहाँ पर है 52, अब यहाँ पर घटाना कुछ नहीं करना है, पहले क्या काम करना है आपको, आगे आगे वाली संख्या को आपको जीरो ऐड कर लेना है, वही आगे आगे को घटाना, पीछे पीछे को घटाना है। यहाँ पर देखिए 7 और 5 को घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं, आप 7 और 5 को घटा सकते, 7 5 2 हो जाएगा, 3 और 1 को 21 हो जाएगा, इजी होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, 21 हुआ। अब यहाँ पर आपका ऐसे करते, यहाँ पर ऐसे हुआ, इसको ले आना है तो यहाँ पर देखिए 2 में से मतलब 2 1 का डिफरेंस, मतलब जो हम करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 3 का, अब इसमें देखिए दिक्कत हो रही है, यहाँ पर दिक्कत होगी तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 और 3 का हम करेंगे, इससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ ताकि अभी एक बार कठिनाई ना हो, भी कठिनाई ले रहे हैं तो 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 होगा, मतलब 14 बचेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर आपका कितना है, इतना है, तो 5 मतलब 5 में 5 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से घटाएंगे 11 आएगा, लेकिन यहीं पर अगर हम इस तरीके से लेने लगें तब दिक्कत होगी। अब देखिए क्या दिक्कत होने वाली है, इसको भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा, देखिए 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, ए हो गया, फिर यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, 35 आएगा, और आपका जब मैं उस तरीके से करूँगा जिस तरीके से आपने अभी सीखा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 में से देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, दिमाग लगे 7 में 3 जाएगा 4 आएगा, 8 और 3 का डिफरेंस 8, और मैंने बोला अंतर निकले, जब पीछे वाला ज़्यादा निकले तो माइनस में लिखिएगा, पीछे वाला ज़्यादा निकले उधर वाला तो माइनस में लिखिएगा, जैसे 3 और 8 का डिफरेंस देखेंगे तो माइनस 5, पहले से इसको हम जो एक अंक लिखे इसको हम 0 मान लेंगे, ये तो मैंने बोला कि 7 और 3 का डिफरेंस जो निकलेगा 4 निकलेगा, मतलब 40 मान लिए, 8 और 3 का जो डिफरेंस निकलेगा वो माइनस 5 आएगा, तो इसको हम माइनस 5 लिखेंगे और जब घटा देंगे तो ये हमारा 35 आ जाएगा, बस इसी तरीके से करना था, कोई बहुत बड़ा लेंगे ये आप दिमाग देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा पड़ रहा है मुझे नहीं, लेकिन एक बार दिमाग रखिए, ये दिमाग में कर लेंगे, ये दिमाग में नहीं कर पाएंगे, यही फ़र्क होता है, सोचने का नज़रिया चेंज चल रही है, अगर ये सारी चेंज करेंगे ना तो आपको मैथ्स में न्यूमेरिकल में कहीं पर भी जोड़ घटाना आ रहा है ना तो बहुत फटाफट करने लगेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर के आया हूँ। और ये रूल्स जो को वर्क करता है वो आपको
यहाँ पर आपको देखे होंगे तो आपको मोहित गोयल सर हैं जो इंस्पेक्टर चार्ल्स के नाम से वो कोर्स लॉन्च किया, तो उसके अनुसार उन्होंने सिखाया, तो जस्ट मैं भी सीख करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आप समझिए उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, अपने उन सवाल में, अपने उन न्यूमेरिकल में अप्लाई करिए, तो आपको मज़ा आने लगेगा और एक दिन ऐसा मजा आएगा कि आप इसको हलवा कर देंगे। मैं 3 अंकों की संख्या का, 4 अंकों की संख्या, उसको मैं अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें बताऊँगा। आज यहाँ पर मैंने 1 अंक, 2 अंक और 2 अंक सभी मिला करके कर रहा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है अगर आप देखेंगे पूरा। तो जैसे मैं यहाँ पर और सारी अब मिलाकर मैं लेता हूँ, अब मिलाकर मैं कोई भी सवाल ले लेता हूँ, कोई पता नहीं है मैं कौन सी सवाल ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा ऐसे, मैं लिखा यहाँ ऐसे, ओ माय गॉड ये तो सेम हो गया, ऐसे मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 4 8 8 0 40 ये हो गया, ओके ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, मतलब मेरा दिमाग जो भी कह रहा है मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, कोई हमें यहाँ पता होता नहीं है, बस हमें वही लिखना है कि हमें इसका उत्तर देना है। 9 7 2 6 4 मतलब 24, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए क्योंकि हमें पता ही इस नज़र से देख रहे हैं। मैं 9 और 7 को देख रहा हूँ तो मुझे पता चला कि ये 20 है, मतलब 0 है, और उसको बाद में इसका हम डिफरेंस उसको ऐड करेंगे 20 में, बस वही काम किया था। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, इस 30 को 30 और 1 3 मतलब देखिए 30 ये है, 8 में से 7 जाना है, एक को पता होना चाहिए, 30 में 1 ऐड करेंगे 31 होगा। तो ये अपने दिमाग में बैठाना, ये दिमाग में आप बैठा के चलेंगे तभी आपका हो जाएगा। मैं 2 अंकों को अगर चर्चा कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप किस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को डिफरेंस हो जाएगा, इसमें आप कैरी लेंगे तब जाके करेंगे, तो कैरी वैरी ले नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको दिमाग में बताना है कि यहाँ पर 8 और 7 का जब डिफरेंस देखेंगे तो 8 और 7 का डिफरेंस 1 आएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि 9 और 2 का डिफरेंस जो आएगा वो 7 आएगा, और आप जब आप 10 में से 7 घटाएंगे तो आपको 3 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, बस यही काम। ये सारी चीज़ें माइंड में कर सकते हैं, एक बार सोचिए कि क्या सर सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, सर ये मन में आ जाएगा ना, आ जाएगा, पक्का अप्लाई करिए। मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ और वही चीज़ें आप अप्लाई करिएगा जो आप मैं मेथड बताया हूँ, इसी मेथड से। देखिए यहाँ पर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप लगाइएगा, ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। 6 सवाल मैंने दे दिया है, बस आप ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को कोई सपोर्ट करना है सर कि हमें अच्छा लगा, कमेंट जरूर करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जो भी दिक्कत हो वहाँ पर हमें शेयर करिएगा कि हम सर आप ये, और आप हमारे इस पढ़ाने के अंदाज को भी बताइएगा कि आप में ये कमी है, जरा आप इस तरीके से पढ़ाइएगा, आप थोड़ा सा इसमें आप सुधार करिए, मैं वो सारे सुधार करूँगा, बस आपका ज़रूर सपोर्ट चाहिए और आपका सजेशन भी चाहिए। तो मैं आपकी तरह एक आपका भाई समझिए, आपका सर समझिए, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं, अपना फ्रेंड समझिए, लेकिन आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ओके। तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये मेथड्स कैसा लगा, और एडिशन वाली मेथड भी देख लीजिएगा, ये सबस्ट्रक्शन 1 2 3 पार्ट हो सकता है, उसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, बहुत सारी वीडियो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, 1500 से वीडियो अधिक पड़ी हुई है, देखना मज़ा आ जाएगा, ओके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को इजाज़त दीजिए और हमारे टेक रोपर्सिटी चैनल पर स्टे रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड जो कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिएगा।